दोस्तों, मैं हूं अन्नू। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूं स्पाइसी मैगी। तो चलिए फटाफट आपको दिखा देती हूं। मैंने यहां पे लिया है एक टमाटर, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, एक हरी मिर्च, एक आलू और एक प्याज, जिसको मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो मैगी लिया है और यहाँ पर उसका मसाला। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पैन कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। दोस्तों, कढ़ाई हमारी गर्म होती है अभी। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, या आपको जो कुकिंग ऑयल पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डालेंगे प्याज, और साथ ही में हम हरी मिर्च डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। दोस्तों, प्याज हमारा हल्का पक चुका है। अब यहाँ पे हम आलू डालेंगे। आप अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जो पसंद है। आलू को हम प्याज के साथ 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से पक जाए, और साथ ही में लाल मिर्च, क्योंकि हमें थोड़ा स्पाइसी मैगी खानी है, थोड़ी सी हल्दी। इसे हम मिक्स करके 2 मिनट तक भूनेंगे। सब्जियां पक चुकी हैं, यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर। इसे अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट होने देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा टमाटर पक चुका है। अब हम ऐड करेंगे मैगी मसाला। तो मैगी मसाला डाल के दोस्तों पानी डाल के हमें उबालना है अच्छे से। इसे मिक्स करेंगे। साथ ही में यहाँ पे हम डालेंगे पानी। तो मैंने 2 मैगी के लिए 2 कप पानी यूज किया है यहाँ पे, और इसे हम ढक देंगे उबाल आने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी मैगी में उबाल आ चुकी है और यहाँ पे हम मैगी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे मैगी 2 टुकड़ों में करके डालूंगी। इसे हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इसमें। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी मैगी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसे हम ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी मैगी सॉफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच किसान केचप। दोस्तों, यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी मैगी तैयार हो चुकी है बनके। चलिए इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड देखिए, हमारा सुपर टेस्टी मैगी मसाला तैयार हो चुका है। सर्व करने के लिए गर्मा गर्म खाइए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा बना है। तो फ्रेंड, जो हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करके जाएं।